हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र सुडा हमारे यूट्यूब चैनल सबसे स्मार्ट फेस्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के मुख्य वीडियो के अंदर हम आपको चार मोस्ट क्वेश्चनों के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सामान्यतः हमारे जीवन के अंदर कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ होती हैं जो जनरल नॉलेज का स्थान ले लेती हैं, वो हमें सामान्यतः आनी ही चाहिए। सबसे पहली बात हम करेंगे कि नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में आपके द्वारा ठोस कचरा निस्तारण हेतु अपनाए जाने वाले आप कोई भी कार्य बताएं। तो सबसे पहली बात यही है कि नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में हम जो ठोस कचरा निस्तारण है उसको एक जगह से दूसरी जगह है वो फैलने न दें और एक जगह डालें, कचरा न्यूनीकरण एवं पुनः उसका उपयोग करने की आदत बनाएँ। दूसरी बात है कचरे का पुनःचक्रण करना, अगर आवश्यकता है तो आवश्यकता के अनुसार हम दोबारा उसको उपयोग में भी ले सकते हैं। कचरा संग्रहण करना, कचरे को निश्चित स्थान पर इकट्ठा करें, डस्टबिन के अंदर या कचरा पात्र में ही डालें। कचरे का उपचार एवं निस्तारण करना बहुत ही आवश्यक है और ये साफ़ सफाई जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए स्वच्छता अभियान का सदस्य बने और अपने आप को स्वच्छता के प्रति जागरूक रखने का महत्वपूर्ण कार्य करें। दोस्तों, दूसरा जो क्वेश्चन रहने वाला है अशोक के धम्म की अवधारणा। महान सम्राट थे अशोक हमारे देश के अंदर, तो उनकी बात हम करते हैं कि उनके जो धम्म हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनके जो विचार थे धम्म के बारे में वो क्या थे। अशोक ने मनुष्य के नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का बताने का कार्य किया था उन्हें हम धम्म कहते हैं। धम्म किसे कहते हैं? तो सम्राट अशोक के द्वारा जो बताए गए अच्छे कार्य और अच्छे निर्देश और आदर्श हैं जो व्यक्ति के जीवन के अंदर होने चाहिए, उनको सम्राट अशोक ने धम्म कहा था। सबसे पहली बात है अशोक के धम्म की कि अशोक के अनुसार पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धम्म है। दूसरी बात है साधु स्वभाव, कल्याणकारी कार्य करना चाहिए, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता एवं दया भाव हैं, शुचिता रखना, प्राणियों का वध न करना अशोक के धम्म के प्रमुख सिद्धांत माने गए हैं। ये सम्राट अशोक थे जो प्राणियों के प्रति अपने दया भावना को प्रकट करने का महत्वपूर्ण कार्य करते थे। तीसरी बात इनके धम्म की आती है माता पिता व अन्य बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों ब्राह्मणों के प्रति दानशील होना व उचित व्यवहार करना धम्म की अन्य आवश्यक शर्तें हैं। लास्ट बात इनकी आती है कि धम्म में अल्प संग्रह और अल्प व्यय का भी विधान था कि आदमी को आवश्यकता से ज़्यादा खर्च भी नहीं करना चाहिए और आवश्यकता से ज़्यादा इकट्ठा भी नहीं करना चाहिए। वही सम्राट अशोक थे जिन्होंने कलिंग के युद्ध के भयावहता को देखकर अपने जीवन के अंदर कभी भी युद्ध न करने का निर्णय महत्वपूर्ण निर्णय लिया था, तो ये दयावर शासक के रूप में भी जाने जाते हैं। अब हम बात करते हैं भारत के महान पुत्र महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप और जो मुगलों का संघर्ष हुआ था उसकी छोटे से क्वेश्चन के माध्यम से हम चर्चा करते हैं। तो 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा बने थे। अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि महाराणा प्रताप और अकबर का जो संघर्ष है वो जीवन पर्यंत चला था और अकबर ने महाराणा प्रताप को मनाने के लिए अपने जो शिष्टमंडल थे उनके जो 4 शिष्टमंडल थे वो मेवाड़ पहुँचे थे, परंतु उनमें से किसी को भी सफलता नहीं मिली। अंत में 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और मुगलों की सेना के बीच हल्दीघाटी का जो प्रसिद्ध मैदान है वहाँ पर युद्ध हुआ था। राजपूतों ने मुगलों पर आक्रमण किया और मुगल सैनिक जान बचाकर भागे। मुगल सेना की ओर से अकबर के आने की झूठी अफवाह पर मुगल सेना पुनः युद्ध के लिए आगे बढ़ी। झालामन्ना के निवेदन पर महाराणा प्रताप मेवाड़ की भलाई के लिए युद्ध क्षेत्र से चले गए। अकबर अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ और हल्दीघाटी के युद्ध के पश्चात प्रताप के दमन हेतु अनेक मुगल जो सेनापति हैं वो भेजे गए, लेकिन किसी को भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। 1582 में दिवेर के युद्ध में प्रताप ने अपने पुत्र अमरसिंह ने शाही सेना भेज कर धावे बोले और विजय रहे। 19 जनवरी 1597 को अपनी मृत्यु से पहले महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर अन्य जो सभी क्षेत्र थे उनको मुगलों से स्वतंत्र करवा लिया था। दोस्तों, तो ये महाराणा प्रताप थे जो भारत के वीर पुत्र के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही बड़े टॉपिक हैं। नेक्स्ट में हम बात करते हैं
इंग्लैंड के अंदर हुई औद्योगिक क्रांति के बारे में। औद्योगिक क्रांति है वो किस कारण से वहाँ पर शुरू हुई थी। सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ होने के मुख्य कारण हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहला कारण यही है कि इंग्लैंड के पास एक विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य था। लगभग देश उस समय इंग्लैंड के अधीन थे, इसलिए वहाँ पर जो औद्योगिक क्रांति है वो शुरू हुई थी। इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के इस औपनिवेशिक साम्राज्य से कच्चा माल व नवीन बाज़ार उपलब्ध हुए और अपने अधीन जिन भागों को इंग्लैंड ने कर लिया था वहाँ से कच्चा माल उन्हें आसानी से मिल जाता था। इंग्लैंड में लोहे और कोयले की खाने आसपास होने के कारण पक्का लोहा निर्माण में भी अधिक सुविधा हुई और मशीनों के निर्माण के लिए भी पक्का लोहा आवश्यक था। जब इंग्लैंड में सामंती व्यवस्था भंग हुई तो बड़ी संख्या में अर्धकुशल कारीगर शहरों में जैसे ही औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तब से अर्धकुशल कारीगर नई मशीनों पर काम करने के लिए उपलब्ध हो गए और शानदार तरीके से वो काम करने लगे। इस कारण औद्योगिक क्रांति है वो इंग्लैंड के लिए बहुत ही अच्छी रही। लास्ट में हम बात करते हैं यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा इंग्लैंड के पास बड़े बड़े कारखाने लगाने के लिए पूंजी भी उपलब्ध थी क्योंकि उनके पास धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। इंग्लैंड की तात्कालीन परिस्थितियां पूंजी संग्रह तथा उनके उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल थी और बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने ये कार्य किया था। इस कारण इंग्लैंड है वो इस बारे में ज़्यादा मजबूत रहा और विश्व के अंदर अपने प्रभुत्व को कायम बनाए रखने में भी सक्षम था और सफल भी हुआ। दोस्तों, ये चार महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनको मैंने मुख्य रूप से आपके सामने प्रस्तुत किया। दोस्तों, हमारा वीडियो, आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा? इसमें मैंने मौखिक वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि गांव के अंदर बोर्ड की जो सुविधा है वो उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए बोर्ड पर वीडियो बनाना संभव। जब हम हमारी जगह पर वापस पहुंचेंगे तब हम वापस अपने बोर्ड पर ही वीडियो बनाएंगे आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाएँ और सफल बनाने के लिए आप सभी का सहयोग है वो बहुत ज़रूरी है और आप सब हमारे साथ और सहयोग कंधे से कंधा मिलाकर चलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों से, लाइक करवाएं और प्रत्येक वीडियो पे कमेंट जरूर करें। कोई भी कमी अगर आपको नज़र आती है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अवगत कराएं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मिलकर हमारा सहयोग देंगे। 265 की जो संख्या है उससे हम बहुत आगे तक पहुँचेंगे और एक दिन लाइव क्लास भी ज़रूर लेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप सभी का ऐसे ही प्यार भरा, स्नेह भरा जो सहयोग है वो मिलता रहेगा तो ज़रूर हम अपने उद्देश्य के अंदर कामयाब होंगे और सभी बच्चों को स्टडी ज़रूर करवा पाएंगे। ऐसी ही मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसी ही आशा करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, जय माँ भारती, जय माँ सरस्वती, स्वस्थ रहें। जय हिंद।